क्या फिनाले से ठीक पहले शिव ठाकरे हो गए हैं एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है प्रोमो में। रिया सलमान खान का धमाकेदार शो बिग बॉस 16 इन दिनों बहुत ही जबरदस्त सुर्खियों में है। अब शो का फिनाले होने वाला है, ऐसे में फैंस भी इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब है कि आखिर कौन कौन से कंटेस्टेंट फिनाले तक अपनी जो राह है वो बना पाएंगे और कौन उससे पहले ही घर छोड़कर चले जाएंगे। वही हाल ही में बिग बॉस 16 को लेकर अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शिव ठाकरे फिनाले से पहले घर से बेघर हो सकते हैं। वेल, बिग बॉस के प्रीकैप में आप देख सकते हैं, ये जो प्रीकैप आया हुआ है उसमें करण जौहर ने शिव ठाकरे के एलिमिनेशन की ओर इशारा किया है। वेल, इस खबर के बाद जो शिव के फैंस हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में हैं। बिग बॉस के एपिसोड में आज दिखाया जाएगा कि करण जौहर मंडली से उनके बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। करण जौहर सुबुल तौकीर खान को लेकर सवाल करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से जो है वो मंडली खुश नहीं है, ये बात तो वो बोलते नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि किसकी वजह से मंडली टूटी है, जहाँ पर निमृत जो है वो ये कहती है कि नहीं, मंडली जो है वो टूटी ही नहीं है, हमारा बॉन्ड ही इतना अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पर जो शिव है वो भी अपनी बात कहते नजर आते हैं कि अगर परिवार का कोई इंसान गलती करता है तो परिवार उसे समझाता है, क्योंकि वो लंबे समय से साथ होते हैं और ये बात वो सुम्बुल के लिए बोलते हैं। यहाँ पर करण ने इस सवाल का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर मंडली टूटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि वो कहते नजर आते हैं कि जो है आपको जो है वो सबसे ज्यादा कम वोट मिले हैं और अब आप आ जाइए। तो एग्जिट डोर की ओर कुछ इस तरह से गए हैं शिव ठाकरे और उनकी आंखों में आंसू थे और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोते हुए वो निकले हैं यहाँ से। फिर जैसे ही शिव यहाँ से जाते हैं आप देख सकते हैं सुम्बुल भी बहुत परेशान हो जाती हैं और इसी के साथ ही साथ निमृत भी बहुत परेशान होती हैं और स्टैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मंडली के मेन सदस्य हैं शिव ठाकरे, अगर उनका ही एलिमिनेशन हो जाता है तो फिर सच में मंडली तो ऑब्वियसली टूट ही जाएगी। आप सबको पता ही है कि इतना सब कुछ हुआ है लेकिन इसके बावजूद जो सुम्बुल हैं वो लगातार शिव का पक्ष यानी कि अपनी मंडली का पक्ष लेती नजर आई। आप सबने देखा ये कि कल के एपिसोड में कि टास्क चल रहा था और आपको पता ही है कि इतना टॉर्चर टास्क था जिसमें बार बार जो है वो अपनी मंडली का सपोर्ट करती नजर आई सुम्बुल, ये जानते हुए भी कि मंडली ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो लगातार अपनी मंडली को सपोर्ट कर रही थी और लगातार अर्चना शालीन पर तंज कस रही थी और कहती नजर आ रही थी कि मैं देखती हूँ रात को फिर बताती हूँ कैसे तुम लोग ऐसा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पर जो शिव हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि सुम्बुल जो है वो कितने अच्छे दिल की हैं और यहाँ पर सुम्बुल से कोई खुश नहीं है, यानी कि मंडली है वो खुश नहीं है। और जब ये बात करण जौहर कहते हैं तो भी किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता, यानी कि ये लोग नहीं मानते कि ऐसा भी है कि सुम्बुल से कोई खुश नहीं है। आपको बता दें निमृत जो है वो ये बोलती नजर आती है कि मंडली कभी नहीं टूटेगी। इस पर करण जौहर भी काफी ज्यादा तंज कसते हैं और कहते हैं आज कोई एक इंसान इस घर को छोड़कर चला जाएगा और वो कहते हैं कि ये मंडली टूट रही है और एक एलिमिनेशन हो रहा है। इसके बाद शिव ठाकरे की ओर वो इशारा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें सबसे कम वोट मिले हैं। ये बात सुनकर शिव ठाकरे एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं फैंस। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।